टुडे टॉपिक इज दैट क्रिस्टल ऑसिलेटर। ओके, आज का अपना टॉपिक है क्रिस्टल ऑसिलेटर। ओके, इन क्रिस्टल ऑसिलेटर वी कैन सी दैट देयर आर टू मेटल प्लेट। ओके, बिटवीन द टू मेटल प्लेट वन क्रिस्टल मटेरियल इज प्रेजेंट। बिटवीन द टू मेटल प्लेट क्रिस्टल मटेरियल इज प्रेजेंट। ओके, सो दिस इज द बेसिक सिंबल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्रिस्टल ऑसिलेटर। ओके, तो ये जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पे काम करता है। ओके, पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पे काम करता है। कौन सी प्रॉपर्टी है? पीजो इलेक्ट्रिक। ओके, पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पे काम करता है। और इसमें जो इसका ये एसी इक्विवेलेंट सर्किट है, एसी इक्विवेलेंट सर्किट, ये फर्स्ट हो गया, एसी कम हो गया। इसमें क्या है, आरएलसी यूज किया है, उसके पैरेलल में कैपेसिटर लगाया है। ओके, जिसको माउंटिंग कैपेसिटर कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशंस क्रिएट करने में, ऑसिलेशंस जो होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब इस फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन जो रहता है, ऑसिलेशंस तो ये क्रिएट करने का काम में माउंटिंग ऑसिलेटर का अच्छा रोल है। तो इसमें रेजिस्टेंस जो है फ्रिक्शन का काम करते हैं, इंडक्टर जो है इनर्शिया का काम करता है, और कैपेसिटर जो है स्टिफनेस का काम करता है। ये फिजिक्स के टर्म्स है, फ्रिक्शन, इनर्शिया एंड स्टिफनेस। ओके, ये तीन काम उनके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो बेसिक ऑपरेशन है वो ऑपरेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब इसका क्या कहना क्या है। ओके, इस ये जो क्रिस्टल है उसको जब हम मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करेंगे, ओके, देन इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा, मतलब इलेक्ट्रिक वोल्टेज, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, मतलब इलेक्ट्रिक वोल्टेज जनरेट होगा। कब होगा? जब हम इसको मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करेंगे। व्हेन वी अप्लाई मैकेनिकल फोर्स इन दैट, देन इट जनरेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। ओके, पोटेंशियल्स मीन्स वोल्टेज। ओके, ये इसका पीजो इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टी है उसका ये ऐसे इस पर काम करता है, वो प्रॉपर्टी इसके बारे में कहती है। ओके, दूसरा उसका मेन ये है कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ओके, देन क्रिस्टल वाइब्रेट मैकेनिकली, तो मैकेनिकली वाइब्रेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो मैकेनिकल वाइब्रेट होगा, मैकेनिकल फोर्स दिया तो इलेक्ट्रिकल जनरेट, मतलब इसमें इसको डिपेंडेंट है। और इसको मैकेनिकल वाइब्रेशंस दिया तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन देगा। समझ गया, मतलब क्या है, मैकेनिकल फोर्स दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, वाइब्रेट मैकेनिकल होगा, मैकेनिकल वाइब्रेशंस दिया, इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन होगा। तो ये इसके क्या है, बेसिक ऑपरेशंस है, मतलब किस चीज़ों पे इसका तत्व है, मतलब तत्व मतलब इसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ दैट क्रिस्टल ऑसिलेटर इज लाइक, ओके, इज अ सिंपल वर्किंग, डोंट कन्फ्यूज। ओके, सो इसमें फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो अपन देख लेंगे। फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी क्या कहती है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज यूजिंग क्रिस्टल ऑसिलेटर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ओके, इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन वो बहुत स्टेबल है। ओके, तो इसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर ऑसिलेटर है। नेक्स्ट है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ क्रिस्टल इज रिमेन स्टेबल ऑफ चेंज, मतलब उसको अपन ने टेम्परेचर, वोल्टेज, ह्यूमिडिटी या अदर पैरामीटर चेंज भी किया तभी भी क्रिस्टल ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्टेबल रहेंगी। मतलब कोई भी चीज़ पैरामीटर वेरी करने के बाद भी इस पर कुछ इफेक्ट होगा नहीं, ये स्टेबल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है, इसी का मतलब है फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्रिस्टल तो आपको समझ में आ गया कि व्हाट वाई क्रिस्टल इज यूज, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ओके, क्रिस्टल क्या रहता है, दो मेटल प्लेट के बीच में क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल मटेरियल रहता है, वो एक क्रिस्टल मटेरियल रहता है, वो मटेरियल रहता है, उसके मैकेनिकल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैकेनिकल वाइब्रेशंस अप्लाइड किए, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैकेनिकल वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन से क्रिएट होता है। तो उसके में बेसिकली आपन ने क्या देखा है, बेसिकली इसके दो टाइप है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ऑसिलेटर एंड मिलर क्रिस्टल ऑसिलेटर। ओके, दो टाइप है, पीजो इलेक्ट्रिक एंड मिलर स्वीप। तो अपन ने कॉलफिट्स ऑसिलेटर पढ़ा था, इसमें अपन ने ये पढ़ा होगा ना, हार्टले ऑसिलेटर कॉल पे पढ़ा था। ओके, तो जो कॉलफिट्स ऑसिलेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम ही सेम वर्किंग इसका है, बस कॉलफिट्स और इसमें क्या फर्क है कि कॉलफिट्स में का एक जो L3 है, ओके, इंडक्टर था, वो इंडक्टर रिप्लेस बाय क्रिस्टल ऑसिलेटर, और इसमें क्या है,
इसमें भी एक इंडक्टर यूज रिप्लेस किया है बाय क्रिस्टल ऑसिलेटर, उसके अपन डायग्राम देख लेंगे। ये है क्रिस्टल पीज़ोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल ऑसिलेटर। इसमें देखो आरएफसी आपको मालूम है कि ये क्या करेंगे, एसी पास करेंगे, डीसी को ब्लॉक कर रहा है, रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक है, इम्पीडेंस चोक है, आप लास्ट लेक्चर देख लीजिए उसमें दिया है आरएफसी का क्या इंपॉर्टेंट, रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक करते हैं जो एसी पास करता है, डीसी को ब्लॉक करता है, ये हाई इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है। ओके तो इसका जो सेम वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम वर्किंग प्रिंसिपल आपका जो कॉलफिट्स का है, कॉलफिट्स ऑसिलेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम वर्किंग प्रिंसिपल इसका है, उसका भी वर्किंग प्रिंसिपल आप इसमें लिख सकते हो। ओके सिर्फ चेंज क्या है, यहाँ पे जो L3 था इसको रिप्लेस किया क्रिस्टल से। ओके ये फीडबैक नेटवर्क है, इसका सिंपल डायग्राम है, आप उसका भी वर्किंग लिख सकते इसमें। नेक्स्ट तुम्हारा है मिल्लर क्रिस्टल ऑसिलेटर। ओके तो मिल्लर क्रिस्टल ऑसिलेटर में क्या है, इसका जो भी कुछ वर्किंग है, जो भी कुछ वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम वर्किंग प्रिंसिपल है हार्टली ऑसिलेटर का। हार्टली ऑसिलेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम है। ओके जिसमें फ़र्क क्या दिया है, इंडक्टर का इंडक्टर जो था हार्टली ऑसिलेटर में उसको रिप्लेस किया है क्रिस्टल ऑसिलेटर से, मतलब ये जो रिप्लेसमेंट किया है क्रिस्टल ऑसिलेटर से। तो हार्टली में जो L3 था इंडक्टर था उसका रिप्लेसमेंट क्रिस्टल ऑसिलेटर किया है, सेम वर्किंग प्रिंसिपल है, ज़्यादा कन्फ्यूज मत, उसका भी अपन वर्किंग इस पे इसमें तुम लिख सकते हो। ओके सिर्फ जो यहाँ पे L3 था उसको क्रिस्टल ऑसिलेटर से रिप्लेस करने का, और यहाँ पे भी मतलब जो भी पीजो इलेक्ट्रिक में था उस वहाँ पे भी L3 को फिर क्रिस्टल ऑसिलेटर से रिप्लेस करने का, उसको ऐसे लिख के आप उसका पूरा डिफरेंशिएशन या उसका जो इंफॉर्मेशन है वो लिख सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है आज का, ये होमवर्क है आपको, इसको लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है, लास्ट लेक्चर देख लीजिए। तो अभी क्रिस्टल ऑसिलेटर में क्रिस्टल ऑसिलेटर पॉपुलर क्यों है उसके बारे में कुछ इतने एडवांटेज वगैरह अपन देखने वाले हैं आज। ओके तो क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है ये वेरी हाई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके वेरी लो फ्रीक्वेंसी ट्रिप ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड अदर पैरामीटर, में टेम्परेचर वगैरह चेंज कर तो फ्रीक्वेंसी ट्रिप क्या रहेंगी, कॉन्स्टेंट रहेंगी। ओके देन है इट इज़ पॉसिबल टू ऑप्टेन वेरी हाई प्रिसीजियस एंड स्टेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, इससे प्रिसीजियस एंड स्टेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अपन ले सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर रहता है सर्किट में वो वेरी हाई है। ओके दिस इज इसका डिसएडवांटेज क्या है, दिस इज सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन सुटेबल है, और क्रिस्टल ऑफ लो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर नॉट ईजिली अवेलेबल, जो लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसमें ईजिली अवेलेबल नहीं होती है। ओके तो इस लास्ट टॉपिक इसमें यहाँ एप्लीकेशंस, तो इसको किधर यूज़ करते हैं, आपने माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा होगा, तो माइक्रो प्रोसेसर में मतलब CPU जो रहता है माइक्रो प्रोसेसर i3 अपन जो माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं इसका प्रोसेसर क्या है, कॉर ड्यूअल कोर है, कौन सा है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है इसमें क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ करता है फॉर प्रोवाइडिंग क्लॉक। ओ एंड सेकंड इसका जो है फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर क्या है कि ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी रिसीवर की फ्रीक्वेंसी अलग करने का रहा तो फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर यूज होता है। तीसरा है रेडियो एंड टीवी ट्रांसमीटर, रेडियो एंड टीवी ट्रांसमीटर उसको यूज़ करते हैं, और इसका जो ये है स्पेशल टाइप ऑफ रिसीवर में इसको यूज स्पेशल टाइप ऑफ रिसीवर इसका यूज़ करते हैं। ठीक है आज अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा है क्रिस्टल ऑसिलेटर के बारे में। ठीक है फिर से रिवाइज कर देता हूँ, क्रिस्टल ऑसिलेटर दो मेटल प्लेट के में क्रिस्टल मटेरियल पीजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पे काम करता है, ऑसिलेशन प्रोवाइड करता है, स्टेबल ऑसिलेशन देता है, उसके बाद में इसको अपन पीजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पे काम करने के काम करता है, इसका प्रिंसिपल जो है पीजोइलेक्ट्रिक पे डिपेंड है। तो इसमें क्या होता है मैकेनिकल फोर्स आपने इसको अप्लाई किया, ये जो तो पॉइंट है इसका मैकेनिकल फोर्स अप्लाई किया तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो मैकेनिकल वाइब्रेशन देगा, मैकेनिकल वाइब्रेशन अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन देगा। फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी क्या है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी को स्टेबल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और टेम्परेचर वोल्टेज ह्यूमिडिटी एंड अदर पैरामीटर को चेंज किया तभी भी इसका कुछ इफेक्ट होता नहीं है। बाद में इसके दो टाइप हैं पीजोइलेक्ट्रिक एंड मिल्लर स्वीप जनरेटर। ठीक है
ये जो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ऑसिलेटर का सेम वर्किंग प्रिंसिपल है कॉलपिट ऑसिलेटर का, सिर्फ यहाँ पे जो इंडक्टर था उसको रिप्लेस किया क्रिस्टल ऑसिलेटर से। ओके, इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको, वर्किंग आपको इसे रिप्लेसमेंट करके मुझे लिख के भेजना है, होमवर्क है आपका। और मिलर क्रिस्टल ऑसिलेटर में क्या है, यहाँ पे जो इंडक्टर था वो इंडक्टर, हाँ इंडक्टर रिप्लेस किया क्रिस्टल से। ओके, क्रिस्टल सेम इसका वर्किंग है। ओके, याद में कुछ इसमें डिटेल में कुछ है नहीं, आप समझ लीजिए एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। और इसका जो यूज़ है जनरली माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर, ऐसे जगहों पे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ठीक है, थैंक यू।